स्वागत है आप सभी का क्विक हिंदी पर मैं हूं अभनर सिंह दोस्तों आज फिर से मैं मास्टर क्लास लाया हूं तो मास्टर क्लास सिक्स है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का फिफ्टी क्वेश्चन टोटल डिस्कस करोगे इस वीडियो में बाकी के पांच मास्टर क्लास और मैं बनाया हूं तो जो लोग उसको नहीं देखे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ये छः वीडियो देखोगे तो टोटल फिफ्टी फिफ्टी है सब में तो तीन क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये और उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा समझ रहे हो बात और भी आपको देखना सिर्फ इतना नहीं देखना देखो जितना ज़्यादा देखोगे उतना फ़ायदा होगा ऐसा नहीं कि थोड़े में काम हो जाएगा ठीक है क्योंकि उनके पास जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम लेते हैं उनके पास हज़ारों क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन जब पढ़ लोगे तभी आपको सभी मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल भी नहीं पाते आप ही लोग मुझे भेजते हो तो आप लोग भी मुझे क्वेश्चन भेजना फेसबुक या फिर फे इंस्टाग्राम पे ठीक है वहाँ की मेरी आईडी है अभिनय सिंह वन सेवन सेवन तो वहाँ से आप लोग मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो ठीक है और एक बात बताऊँगा आपको क्विक हिंदी डॉट इन ये जो यू है मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा वहाँ से जाके देखूँ ना वहाँ तो बहुत सारा क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा वहाँ से भी ठीक है चलिए फिर शुरू करते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन है फाइल परमिशन सेवन सिक्स फोर क्या है बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी किसका क्वेश्चन मालूम है ये है लिनक्स का उबुंडू का जो लिनक्स है हमारे पार्ट में उबंटू भी आ गया ना अब तो, तो उसी का क्वेश्चन है ये परमिशन क्या होता है इंग्लिश में लिखा हूँ मैं options, एवरी वन कैन रीड राइट बट ऑनर एलॉन कैन एक्ट इसका आंसर होगा क्या मालूम है जो भी होगा सब पढ़ लगे ग्रुप एक होता है ग्रुप कौन बनाता है जो उसका मेन होता है ऑनर होता है वही ग्रुप क्रिएट करता है तो ग्रुप इंक्लूडिंग ऑनर कैन राइट मतलब ग्रुप और जो उसका ऑनर होगा उसको राइड भी कर सकता है लिख भी सकता है पढ़ तो सभी सकते हैं और ऑनर जो होता है सिर्फ उसको व्यवस्थित ऑनर ही कर सकता है ऑनर ही अलाउड करेगा ग्रुप कौन ग्रुप में होगा कौन कर सकता है क्या कर सकता है तो उसको बोलते हैं ऑनर मतलब जो ऑनर होता है सिर्फ वही उसको व्यवस्थित कर सकता है बाकी पढ़ तो सभी सकते हैं लिख सिर्फ ग्रुप सकता है कौन सा ग्रुप जो ऑनर द्वारा बनाया जाता है इतनी बातें आपको ध्यान रखना है फाइल फर्मिशन सेवन सिक्स फोर की बात हो रही है ये लिनक्स का क्वेश्चन है ध्यान रखना आपको अब नेक्स्ट कैल्क में चार्ट क्या होता है जो क्वेश्चन मैंने बताया ध्यान से समझा करो 100 परसेंट पूछा जाएगा एग्जाम में इसका आपको एक बार दिखाता हूं समझ, इसका मतलब क्या होगा जैसे ये Calc है हमारे सामने ठीक है चार्ट होता है इंसर्ट में देखो ये चार्ट है जब चार्ट में आप जाओगे तो देखो ये चार्ट है टोटल चार्ट चार्टिजार्ट तो जो चार्ट चार्टिजार्ट है देखो उसमें ये बबल है देख रहे हो बबल है बार है पाई है ऊपर कॉलम है एरिया है लाइन है बहुत सारे हैं ना तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने इसमें बबल तो है बाकी कुछ भी नहीं है मतलब सिर्फ बबल ही इसका आंसर हो जाएगा देखिए कि नहीं बात समझ रहे हो कि नहीं बात जैसे ये देख रहे हो बबल तो है इसमें और बाकी कुछ भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में और देखो चार्ट बिजार कितने टाइप होते हैं चार्ट टाइप रेंज डेटा रेंज डेटा सीरीज चार्ट एलिमेंट से होता है बाकी देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस टोटल चार्ट जो होता है दस प्रकार का होता है देख रहे हो ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो जो मैंने बताया ध्यान रखना आपको अब नेक्स्ट बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है जो बचत खाता होती है हमारी उस पर ब्याज किस प्रकार से दिया जाता है हर महीने देते हैं तिमाही देते हैं अर्धवार्षिक देते हैं या फिर वार्षिक देते हैं कैसा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा तिमाही देते तो तिमाही है काउंटर वो लोग वार्षिक करते हैं लेकिन हर तीन महीने बाद वो तीन महीने वाला अपना उनका एक रूल होता है दे देते हैं ठीक है तो तिमाही वाला अक्सर हर जगह होता है यही ये बात आपको ध्यान रखना है अब नेक्स्ट मियादी जमा पर चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है अब देखो अभी सेविंग आया था अभी मियादी मियादी मतलब फिक्स डिपोजिट इसको बोलते हैं तो मैंने बताया अभी जैसे बोला आपको कि लगभग सब में तिमाही देते हैं इसमें भी तिमाही ही आंसर हो जाएगा इसका भी ठीक है ध्यान रखना आपको इसमें होता क्या देखो मैं आपको बता दूँ जरूरी नहीं है कि सिर्फ तिमाही ही दें माह भी देते हैं अर्धवार्षिक भी मिलता है वार्षिक भी मिलता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हो कौन सा वाला ओपन करना चाहते हो किस तरह से ब्याज लेना चाहते हो ऐसा भी इसमें एक रूल होता है लेकिन ज्यादातर तिमाही ही होता है इसलिए अगर सारे आते हैं तो आपको तिमाही भी करना है नहीं तो आप समझ सकते हो कि उसमें सारा भी विकल्प होता है हमारे सामने ठीक है ध्यान रखना अब नेक्स्ट कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है मतलब समझ रहे हो बात कहने का मतलब इसमें सबसे सुरक्षित कौन सा है की कार्ड होता है पासवर्ड होता है रेटिना होता है फिंगरप्रिंट न्यूनतम बोला सबसे कम सुरक्षित कौन सा है ये पूछ रहा है ये तो सबसे कम सुरक्षित कौन सा होगा इसमें से की कार्ड मैंने आपको समझाया था पहले भी की कार्ड होता क्या है की कार्ड एक प्रकार का कार्ड है तो सबसे कम सुरक्षित क्यों होता है ये क्योंकि मान लो आपका कार्ड खो गया कोई चुरा लिया तो आप ये जैसे रूम वगैरह में लगाया जाता है की कार्ड तो उसी से उसमें एंटर करोगे तो वो खुल जाएगा आपका गेट तो ये अगर खो गया आपका तो कोई भी खोल सकता है पासवर्ड क्या होता है इतना आसान नहीं होता हैक करना पासवर्ड सिर्फ आपको ही पता होता है इसलिए इससे थोड़ा मजबूत हो गया रेटिना आँख होता है जब तक आप नहीं देखोगे जाके तब तक वो खुलेगा नहीं फिंगरप्रिंट जब तक आप अपनी उंगली नहीं जालोगे वहाँ पर तो खुलेगा नहीं इसी वजह से कीकार सबसे कम सुरक्षित हो गया अब नेक्स्ट लिनक्स है मल्टीटास्किंग है मल्टी यूजर है दोनों है या फिर कोई नहीं कौन सा है लिनक्स इसमें से वैसे एक वीडियो मैंने लिनक्स और यूनिक्स के बारे में आपसे पूरा डिटेल से बताया हूं वो जरूर देख लेना तीन चार पाँच क्वेश्चन उसमें से आते हैं और भी आते हैं जो लिनक्स और यूनिक्स का वीडियो मैंने बनाया है ट्रिपल सी न्यू सिलेबस वाले में मैं डाल दिया हूँ उसको भी तो वहां से देख लेना मैं आपको बता बताना मेरा काम है आपको देखना आपका काम है मैं कोशिश करता हूँ तो इसका आंसर क्या होगा मालूम है बोथ लिनक्स मल्टी यूजर भी होता है मल्टी यूजर मतलब क्या होता है कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं देखो मैं आप समझा देता हूँ मल्टी यूजर मतलब होता है एक समय में कई सारे यूजर काम कर लें उसको बोलते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मतलब होता है एक समय में कई सारे टास्क मतलब एक ही समय में आप मान लो वर्ड चला रहे हो एक्सेल चलाए हो या फिर और भी कोई प्रोग्राम कोई वीडियो भी चला दिए हो गाना भी चला दिए हो हो जाता है कि नहीं हो जाता तो उसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग और मल्टी यूज़र मतलब कई सारे यूजर तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना आपको लिनक्स दोनों होता है ठीक है विंडो एट भी जैसे होता है दोनों होता है ऐसे ही कन्फ्यूजन नहीं होना आपको यूनिक्स भी दोनों होता है ठीक है अब नेक्स्ट फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो फर्मवेयर से तात्पर्य होता है हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर मतलब जो हमारे कंप्यूटर में जितने सारे हार्डवेयर होते हैं उसको संचालित करता है फर्मवेयर सूचना पहुँच जैसे कीबोर्ड में आप कुछ टाइप किए तो कीबोर्ड से वो सी में यू जाता है उसका इन्फॉर्मेशन कि हाँ मतलब जो भी होगा उसमें हार्ड डिस्क होगा जो भी मतलब मेमोरी होगी उसको पहुंचाता है हाँ ये टाइप किए गए तभी तो ऊपर आता है, है लिख के वो क्या जाने है कि नहीं इसी को बोलते हैं फर्मवेयर ध्यान रखना है आपको अब नेक्स्ट सेब एज करने के बाद कॉपीड फाइल शो होता है ये ट्रू है कि फ़ाल्स ये हो जाएगा फाल्स अब फाल्स क्यों होगा बोल रहा है कि जब सेवैज आप करते हो कोई भी चीज़ तो जो कॉपी की है वो फाइल वो शो होता है नहीं सेबैज करने के बाद ये शो होता है कि आपको कहाँ सेव करना है, है कि नहीं वो कहाँ सेव करना है ये शो होता है अब नेक्स्ट एफ डी एम का फुल फॉर्म क्या होता है फ्यूज टोप डिपोजिशन मॉडलिंग फ्रिक्वेंसी Multiplexing, मल्टीप्लेक्सिंग कौन सा होता है बोथ नन इसमें देखो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग ये भी होता है और फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग ये भी होता है ज्यादा स्ट्रोंग ऊपर वाला है मैं बोथ बता रहा हूं आपको मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ हो सकता है एग्जाम बोथ हो ही ना तो आपको फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ये भी हो सकता है मतलब दोनों कंप्यूटर टर्म्स ही हैं ठीक है तो ध्यान रखना आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फ्यूज वाला ज़्यादा इस्ट्रांग है वैसे ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है यही होगा लेकिन दोनों होते हैं अब नेक्स्ट इफ उमस इज जीरो जीरो टू वॉट डिल विद न्यू डायरेक्टरी मतलब उमस क्या है एक प्रकार का उसमें कमांड होता है देखो आप जानते हो लिनक्स का क्वेश्चन है यूनिक्स लिनक्स जो होता है उसमें लिनक्स होगा इन उसे थोड़ा अलग होता है बाकी सबसे उसमें ढेर सारे कमांड बने होते हैं ढेर सारे नंबर आप टाइप करोगे तो अपने आप एक नई नई चीज़ें नई नई कमांड उसमें सब कुछ कमांड से ही काम हो जाता है नंबर कमांड यही सब एक तरह से प्रोटोकॉल समझ लो जैसे होता है ना वही होता है जीरो, जीरो अगर होगा तो न्यू डायरेक्टरी किस प्रकार हो सकता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन और ये सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा मान लो आ गया इस जीरो जीरो टू वाला तो आपको किस पे करना है मालूम है सेवन सेवन फाइव पर करना है ठीक है ध्यान रखना बिना टेंशन के सेवन सेवन फाइव इसका करेक्ट आंसर होगा जीरो जीरो टू उमस को पूछ ले तो ठीक है ध्यान रखना है आपको अब नेक्स्ट बैंक किस पर ऋण नहीं देता है बोल रहा है नहीं देता है तो सिंपल सी बात है लॉटरी टिकट पर बैंक कभी ऋण नहीं देता किसी को अब उस पर देता है एल पॉलिसी पर देता है एन मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इस पर भी लोन मिल जाता है नेक्स्ट सभी वर्कशीट के फार्मूला को क्या कहते हैं जो वर्कशीट के फार्मूला को क्या बोलते हैं सिंपल सी बात है बड़ा इंपॉर्टेंट ये इनमें से तो उसको बोल देते हैं सी नंबर रिटर्न ऑफ द फार्मूला रिजल्ट ध्यान रखना रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट ठीक है अब नेक्स्ट लिब्रो ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखता है बड़ा इम्पोर्टेंट जैसे ये लिब्रो ऑफिस है इसमें कोई फार्मूला लिख रहे हो आप जैसे बराबर लिखना जरूरी होता है एस एम का एस यू एम होता है तो मैंने सिर्फ एस यू लिखा उसके बाद यहाँ पे नौ लिख दिया पाँच लिख दिया अब देखो क्या आता है खुद ही समझ में आ जाएगा तो हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क नेम तो मतलब नहीं साइन पूछ रहा हैज़ आ रहा है, है क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो देखो इसमें हैज़ है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं तो हैज़ होता है एरर होने पर समझ रहे हो बात सिंपल सी बात है मान लो क्वेश्चन मार्क हो तो वो भी होता है हैज और क्वेश्चन मार्क दोनों होते हैं अब नेक्स्ट राउंड टू सेवन फाइव माइनस टू का मान कितना होगा तो राउंड हुआ ट्रंक हुआ ये सब मैं फार्मूला वाला एक प्ले में डाल दिया हूँ सारे वीडियोस कई सारे वीडियो में बनाया हूँ आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं एक बार जैसे ये है फार्मूला मैंने यहीं इंटर कर दिया फार्मूला यहाँ पेस्ट कर दिया कॉपी किया हूँ उसके बाद एंटर थ्री आया थ्री क्यों आया तो राउंड का जो माइनस लग गया तो ये क्या करता है किनारे से घटा देता है जीरो बना देता है उसको दो दो है तो दो संख्या जीरो बना देगा सेवन बन फाइव को जीरो बना दिया लेकिन टू को थ्री क्यों बना दिया क्योंकि यहाँ सेवन है मैं डिटेल्स आपको समझाया हूँ अगर जीरो से फोर तक है तो सेम वैल्यू देगा दो ही देगा लेकिन फाइव से लेकर नाइन तक है तो ये सेवन है मतलब बड़ा है इसलिए थ्री हंड्रेड आएगा पूरा डिटेल्स उसको समझाऊँ देख लेना प्ले लिस्ट में है उससे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत फ़ायदा होगा ठीक है सब देख लेना आप नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डेटा स्टोर करता है किस फॉर्मेट में करता है सिंपल सी बात है बाइनरी फॉर्मेट में करता है बाइनरी जीरो वन होता है और कंप्यूटर सिर्फ जीरो वन में ही स्टोर होता है वही समझता भी है बस आउटपुट अलग देता है वो अलग बात है ठीक है अब ध्यान देना अब नेक्स्ट फैड का पूर्ण रूप क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल ठीक है अब नेक्स्ट फाइंड और रिप्लेस के लिए लिब्रो ऑफिस और एमएस ऑफिस में समान शॉर्टकट की प्रयोग होता है ट्रू है कि फाल्स फाइंड और रिप्लेस का शॉर्टकट की मालूम है आपको कंट्रोल प्लस एच होता है तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये दोनों में वही सेम होता है यूज सिर्फ फाइंड की बात करें तो कंट्रोल प्लस एफ एफ फॉर फाइंड और गो टू का बात करें तो कंट्रोल प्लस जी और फाइंड एंड रिप्लेस का बात करें तो कंट्रोल प्लस एच तीनों होता है तीनों आपको बताऊँ तीनों सेम होता है सब में इसे तीन क्वेश्चन आपका बन गया नेक्स्ट जंक मेल का दूसरा नाम क्या होता है ध्यान से अगर मेरे बातों सुनोगे और समझोगे ना तो पचास क्वेश्चन नाम का होता है बहुत मैं बता देता हूँ आपसे जैसे पिछला वाला तीन नहीं उसमें कई सारे बनेंगे आपके जो समझ गया उसमें पाँच छः क्वेश्चन बन जाएंगे और जो समझ गया उसको कर लेगा कोई सा भी क्वेश्चन आ गया आप उसके एग्जाम में इसलिए बोलता हूँ समझ के चलना आपको जंक मेल को स्पैम बोलते हैं और एक बात इसको कॉमर्शियल मेल भी बोल देते हैं कॉमर्शियल मेल, जंक मेल स्पैम सभी एक ही चीज़ होता है ठीक है ध्यान रखना अब नेक्स्ट माउस जीवाई में किसके लिए प्रयोग होता है जीवाई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये भी सवाल लगे जीवाई क्या होता है जीवाई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक होता है सी कमांड यूजर इंटरफेस करेक्टर यूजर इंटरफेस उसको बोलते हैं या फिर कमांड लाइन इंटरफेस कई सारे नाम से जानते हैं उसको सी एल आई सी यू आई उसमें सिर्फ ल, करेक्टर चलता है लेकिन इसमें सब कुछ चलता है ग्राफिक्स वगैरह तो माउस हर जगह इनपुट डिवाइस ही होता है ठीक है ध्यान रखना अब नेक्स्ट पहला वेब ब्राउजर कौन सा है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एक वेब ब्राउजर का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ ब्राउज़र एग्जाम से पहले मैं दे दूंगा कल ही सुबह हो सकता है दे दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर होगा ठीक है मोजैक बोलते हैं पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है लेकिन इससे पहले भी एक ब्राउजर था इस वजह से ये बोलते हैं ऑप्शन में था ही नहीं मैं आपको पूरा डिटेल्स उसमें बताऊंगा कल मॉर्निंग में एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं ब्राउजर के उससे दस क्वेश्चन आते हैं उससे भी ऊपर आ जाता है एग्जाम में अगर अच्छे से देख लोगे तो आपका बहुत फायदा होगा अब नेक्स्ट आर में दो लाख से पाँच लाख ट्रांसफर कर रहे हो अगर आप तो फीस कितनी लगेगी आरटीजीएस में पूछते हैं कि मिनिमम ट्रांसफर तो दो लाख ये बात आप कभी कन्फ्यूज मत होना कम से कम आर में दो लाख अधिकतम कोई लिमिट नहीं है एन में कम से कम भी कोई लिमिट नहीं, नहीं है अधिकतम भी कोई लिमिट नहीं है ठीक है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कहते हैं वो बता रहे थे तो कुछ और कोई कुछ भी बताए आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए अगर मैं गलत कुछ बताता हूँ तो आपसे बता भी देता हूँ गलत हो गया था कभी कभी हो जाता है मुझसे भी गलती लेकिन इसमें जो है पच्चीस रुपये फीस लगता है दो लाख मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं लिमिट बात कर रहा हूं मैं ट्रांसफर की अब नेक्स्ट डी ई एस का मतलब क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है डी ई एस तो सिंपल सी बात है ये हो जाएगा डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड ये क्या करता है एक सिक्योरिटी के लिए होता है ये बताया था ना आपको इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है एक अलग कोड में बदल देता है ये इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं इंक्रिप्शन वाले पे इंक्रिप्शन क्या होता है एक अलग कोड में बदल जैसे पासवर्ड हम डालते हैं तो देखो दिखता डालते कुछ नहीं दिखता कुछ है वही होता है इंक्रिप्शन ध्यान रखना आपको अब नेक्स्ट आइडियो और वीडियो शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है आई एम एस एच एल एस टी टी पी एस या फिर कोई नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट पूछेंगे एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछा गए हैं मतलब पूछे जाते हैं लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक ही बैच में पूछ लेंगे यही बात होती है तो इसका आंसर क्या होगा मालूम है एच एल एस एच एल एस का मतलब एच मतलब एस टी टी पी हाइपरटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस टी टी पी उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग एल से लाइव एस से, से स्ट्रीमिंग तो आईडियो वीडियो दोनों के लिए होता ही ये ध्यान रखना आपको अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मूवी और आइडियो एक साथ ही यूज कर सकते हैं ट्रू है कि फॉल्स तो सिंपल सी बात है कर सकते हैं टू हो जाएगा अब नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर कर सकते हैं तो होगा क्रिप्टो वॉलेट अब देखो एग्जाम में जरूरी नहीं कि क्रिप्टो वायलेट ही हो मान लो अगर क्रिप्टो वॉलेट ना हो सिर्फ वायलेट हो तो भी इसका अपना एक वॉलेट होता है क्रिप्टो करेंसी होता का है, एक डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी मतलब डिजिटल करेंसी सी ठीक है ध्यान रखना आपको जैसे बहुत सारा ऐसा होता है तो उसको क्रिप्टो वॉलेट या फिर वॉलेट जो भी बोले ध्यान रखना आपको अब नेक्स्ट के में रेडीमेड सीट को क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट सिर्फ कैल्क में नहीं कहीं भी कैल के में पूछ ले वर्ड में रेडीमेड बने हुए फाइल को क्या बोलते हैं टेम्पलेट बोलते हैं रेडीमेड उसमें डॉक्यूमेंट बना होता है पहले से ही ध्यान रखना आपको अब नेक्स्ट क्लाइंट सर्वर का यूज़ क्या होता है अब इसमें एक बात मालूम है आपको क्लाइंट अलग है सर्वर अलग है समझ रहे हो बात ये बात आपको ध्यान रखना है तो क्वेरी करना क्लाइंट जो होता है क्वेरी करता है और सर्वर क्या करता है क्वेरी का जवाब देता है तो दोनों हो जाएगा इसका आंसर अगर सिर्फ क्लाइंट आए तो क्वेरी करना और सर्वर सिर्फ आए तो जवाब देना समझ रहे बात हम लोग जैसे क्लाइंट हैं एक प्रकार के जैसे आप लोग क्लाइंट हो समझ लो और मैं सर्वर हूं अब इस, इसी हिसाब से आप समझ सकते हो अब नेक्स्ट यूएसएसडी किस पर वर्क करता है यूएसएसडी जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका फॉर्म होता है ये मोबाइल पे वर्क करता है बस इंटरनेट से इससे कोई मतलब नहीं है बिना इंटरनेट के भी एक काम करता है और पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर करना हो तो यू होता है यानी यू जो होता है बैंकिंग के लिए उसके लिए यूज़ उस होता है यू कोड क्या होता है स्टार डबल नाइन है स्टार वन फोर वन है जो मोबाइल में बैलेंस वगैरह देखते हैं वही सब होता है अब नेक्स्ट क्या आउटलुक एक एंटी वायरस है मतलब आउटलुक क्या है तो हो जाएगा नो आउटलुक क्या है ई मेल क्लाइंट प्रोग्राम है यहाँ जैसे जी मेल वगैरह होता तो है उसे आउटलुक भी होता है ई मेल वगैरह भेज सकते हैं उससे ध्यान रखना अब नेक्स्ट कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है इसका आंसर क्या होगा डी रैम वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता ही रहता है अपने आप जरूरी होता है डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम मतलब स्टैटिक, ईपीएम इरेजेबल प्रोग्रामेबल ऐसा करके होता है तो ध्यान रखना आपको ठीक है सारे फुल फॉर्म भी बहुत पूछते हैं और अगर ये रिफ्रेश वाला पूछा कंटिन्यू डी रैम होता है नेक्स्ट यूपीआई द्वारा पैसे भेजने को क्या बोलते हैं तो क्या बोल रहा है भेजना भेजने को बोलते हैं पुश पुश मतलब दबाना पुल मतलब खींचना तो भेजना मतलब दबा रहे हो आप और रिसीव करो अगर पैसे तो पुल मतलब खींच रहे हो तो ध्यान रखना आपको यूपीआई द्वारा पैसा रिसीव करने को पुल भेजने को पुस दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अब नेक्स्ट चेक का भुगतान कौन रोक सकता है तो चेक का भुगतान वही रोक सकता है जो उसको जारी किया है बस बाकी कोई नहीं ध्यान रखना नेक्स्ट एटीएम का पासवर्ड किसे बताना चाहिए सच तो यह है कि एटीएम का पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए ठीक है सब बता देते हैं लेकिन किसी को नहीं बताना चाहिए अब नेक्स्ट सेविंग अकाउंट न्यूनतम कितने राशि पर खुलता है तो हो जाएगा जीरो बैलेंस खुलता तो जीरो है बाद में भले उसको आपको कुछ बैलेंस मेंटेन करना वाला बात है लेकिन आप खोलने जब जाओगे तो जीरो पे खुल जाएगा बहुत सारे सेविंग में भी कई प्रकार के होते हैं मिनी अकाउंट जो चल रहा है आजकल जनधन वाला चल रहा है सब फ्री में ही तो है तो वो भी तो सेविंग ही में आ जाता है कि नहीं तो ये बात ध्यान रखना आपको अब नेक्स्ट पावर पॉइंट में पिछले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है यहाँ पर पावर पॉइंट पूछ ले या फिर इम्प्रेस पूछ ले मैं कर देता हूँ वैसे इम्प्रेस ज़्यादा पूछते हैं आजकल तो पावर पॉइंट ख़त्म हो गया ज़माना ये हो गया इम्प्रेस इम्प्रेस क्या है लिब्र ऑफिस वाला तो आप एम एस ऑफिस क्वेश्चन नहीं आते बल्कि लिबर ऑफिस से ज्यादा आते एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो दोनों में पूछे दोनों में एक ही होता है पेज अप पिछले पे जाना है तो पेज अप अगले पे जाना है तो पेज डाउन अगले पे जाना है तो पेज डाउन और पहले स्लाइड पर जाना है तो होम और आखिरी स्लाइड पर जाना है तो एंड तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है चार क्वेश्चन मैंने बताया चारों एग्जाम में, है। चार में पूछते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एम नेक्स्ट कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं मालूम है कीबोर्ड कितने बटन होते हैं 101 देखो कई प्रकार के कीबोर्ड होते हैं किसी में 102 होता है किसी में 104 भी होता है किसी में 101 भी होता है लेकिन ऑप्शन में आपको जितने दिया है इसमें इसमें सिर्फ एक ही है 101 ऐसे ऑप्शन भी देंगे आपके सामने कि बाकी सब ऐसे देंगे उल्टा सीधा एक ही करेक्ट देंगे 101 भी दे दे तो भी सही हो जाता है 102 भी होता है किसी की कि मैं देखाऊँ एक सौ भी देखा हूँ मैं और कम भी होते हैं तो कई प्रकार के कीबोर्ड होते हैं तो ध्यान रखना आपको अब नेक्स्ट लघु खाते में स्वीकार कर राशि कितनी हो सकती है अधिकतम पूछ रहा है लघु खाते में अधिकतम कितनी राशि स्वीकार की जा सकती है लघु खाता मतलब वही जनधन वगैरह होता है ना कई सारे होते हैं लघु खाता उसी वही सब हो जाता है तो उसमें फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा नहीं होता मैक्सिमम फिफ्टी थाउजेंड ध्यान रखना अब नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई अभी तक की अधिकतम कौन सी नोट है तो है दस हज़ार की नोट कुछ लोग सोच रहे होंगे दो हजार तो दो हजार से पहले भी दस हज़ार थी कभी दस हज़ार थी उन्नीस सौ अट्ठासी की बात है उस वक्त ये जब डीमोनीटाइज हुआ था जब नोटबंदी हुई थी तो दस हज़ार पाँच हज़ार की नोट थी तो बंद कर दिया गया था ठीक है ध्यान अब MICR में रखना आप नेक्स्ट एम आई सी आर में आर का क्या मतलब होता है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे ही कल ही हमने डिस्कस किया है इसके बारे में तो रिकॉग्निशन, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन अब नेक्स्ट सीपीयू को और किस नाम से जानते हैं सीपीयू यू तो सीपीयू को और माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं किसके नाम से माइक्रो प्रोसेसर भी उसको बोला जाता है सीपीयू यू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का देखा जाए तो वही है कंप्यूटर अब नेक्स्ट लिब्रो ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है दिस आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी राइटर पूछ रहा है तो कंट्रोल प्लस डी होगा अगर वर्ड पूछता तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है वर्ड का तो दोनों को आपको पता होना चाहिए डी फायर डबल होता भी है नेक्स्ट एस एस ओ का मतलब क्या होता है पूर्ण रूप तो इसका मतलब हो जाता है सिंगल साइन ऑन ठीक है कभी कन्फ्यूजन नहीं होना पहले सिंगल बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है देख रहे हो ना सिंगल साइन ऑन नेक्स्ट नेटिक्विटी क्या है अच्छा पिछला जो एस एस ओ था उसका मतलब समझते हो क्या बोला सिंगल साइन ऑन मतलब जो हम साइन अप वगैरह नहीं करते एक ही लोग साइन कर साइन अप कर सकते हैं बस कोई भी अकाउंट हो तो सिंगल वही सिंगल साइन ऑन उसका मतलब वही होता है वो एक पा सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिर्फ उसी को अलाउड करता है जो जिसका अकाउंट होता है एक ही लोग का अलाउड करता है साइन करने का नेटिक्विटी क्या होता है एक प्रकार का इंटरनेट शिष्टाचार है ठीक है एडिकविटी मतलब क्या होता है शिष्टाचार और नेट लग गया तो इंटरनेट शिष्टाचार हो गया अब नेक्स्ट वी क्या है वीपीएन पी एन ई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये क्या है इसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक प्रकार का नेटवर्क सुरक्षा के लिए तकनीक है ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क याद रखना अब नेक्स्ट लिब्रो ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रिब्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है प्रिंट प्रीव्यू कई बार डिस्कस करता रहता हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट है तो कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस ओ प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू प्रीव्यू उसको देखना है और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी होता है पी कंट्रोल प्लस पी अब नेक्स्ट निम्न से कौन आईएसपी है आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है तो इनमें से कौन करता है विप्रो करता, करता है रिलायंस करता है टी करता है माइक्रोसॉफ्ट करता है तो इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ रिलायंस ही इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है बाकी सब तो अलग हैं सॉफ्टवेयर कंपनी है सारे के सारे ठीक है अब नेक्स्ट सबसे फेमस सोशल मीडिया कौन सी है ये तो सोशल मीडिया वाला देखेंगे नहीं सब लोग वीडियो उसमें सोशल मीडिया का सारा क्वेश्चन बता दी हूं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट है सब पूछे गए ही क्वेश्चन है मैं कहीं से उसको जो आप लोग भेजते हो ना उसी में से बताया हूँ मैं याद कर करके कौन कौन सा पूछा गया तो सारा मैं डाल दिया उसी में हो सकता है एक आध क्वेश्चन ना डाला हूँ भूल गया हूँ लगभग सब डाल दिया हूँ तो सबसे फेमस कौन सा है मालूम है फेसबुक है सिंपल सी बात है नेक्स्ट ट्रैवलिंग वालों के लिए बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रैवलिंग अब कहीं जा रहे कुछ जा रहे नोटबुक हो नोटबुक भी उसी में आ जाता है वैसे उसको बोलते हैं लैपटॉप ठीक है तो ध्यान रखना आपको नोटबुक भी उसी में आ जाता है वैसे देखा जाए तो मिनी नहीं माइक्रो मिनी तो थोड़ा बड़ा वाला हो जाता है माइक्रो भी इसी कंप्यूटर को बोलते हैं लेकिन और भी कंप्यूटर को भी माइक्रो बोल देते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी माइक्रो हो जाता है लेकिन लैपटॉप तो सब कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप नेक्स्ट उन्नीस में ए का सम्मेलन कहाँ हुआ था अब इसमें देखो दो बातें आपको पहले पता चल गया कि उन्नीस में ए का सम्मेलन हुआ था उसी टाइम मतलब ये फाउंड किया गया वैसे बताते हैं उन्नीस में फाउंड किया गया उन्नीस और छप्पन के समय में उन्नीस में ये फाइनली ये लॉन्च हो गया चर्चा हुई इसकी लॉन्च का मतलब क्या है चर्चा हुई ए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कहाँ पे हुआ था डार्ट माउथ कॉलेज जो कि अमेरिका में स्थित है अब इसके फाउंडर कौन है फाउंडर में देखो कई बातें आती हैं सामने एक थे मतलब जॉन मकारी मैंने आपको कई बार बताया मकार्थी जो है इसके मेन फाउंडर थे लेकिन उनके साथ कई लोग भी शामिल थे जैसे एक मार्विन एक एलन एन हरवर्ड करके तो अगले वाले वीडियो में पूरा वो सारा बता दूंगा आपसे मैं सारे नाम लिख के तो दिखा दूंगा हो सकता है क्वेश्चन आता है एग्जाम में ठीक है अब नेक्स्ट यूज़ ऑफ स्लाइड्स ऑटर व्यू स्लाइस ऑटर व्यू जो होता है उसका यूज़ क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसको मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव जैसे ही देखो ये स्लाइड ऑटर व्यू अभी एक स्लाइड से काम नहीं बनेगा कई साइज कर लेते हैं न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकटिंग कंट्रोल प्लस एम होता है देखो ये दो बार मैंने तीन स्लाइड हो गया आप, अब अब कहाँ जाना है हमको स्लाइड शॉट व्यू में व्यू में देखो ये है स्लाइड शॉट व्यू मतलब तीनों एक साथ दिख रहा है जो भी करना हमको तीनों एक साथ तो इसका सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए ये भी सही है सभी स्लाइड का प्रबंध करने के लिए ये भी सही है सभी स्लाइड को संगठित करने के लिए तो इसमें मालूम है मैं आपको समझाने के लिए सारा कर दिया तो इनमें से एक भी ऑप्शन में अगर हो इन तीनों में से उसी पे आपको करना है ज़रूरी नहीं कि है कि सारा ऐसे ही आ गया ऑप्शन ऑप्शन तो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है मैंने इसलिए आपको दिखाया और समझाया फिर दोस्तों यही था आज का आखिरी क्वेश्चन अब आते हैं जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता दूँ क्योंकि उसको कई लोगों ने गलत आंसर दिया लगभग सभी ने और एक क्वेश्चन भी आपके लिए है उससे पहले आप सब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो को सब लोग लाइक कर देना तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए ना तो सब लोग लाइक करके ही जाया करो मैं बोलूँ ना बोलूँ लाइक आप सबको करना है ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और जो लोग नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बेलाइकॉन भी प्रेस कर देना आते हैं फिर क्वेश्चन पे पहला सुपर कंप्यूटर पूछा था भारत का तो परम एट थाउजेंड था ये तो बिल्कुल सही सब लोगों ने सही आंसर दिया लेकिन लिब्रो ऑफिस में पूछा था डिफॉल्ट फॉन्ट साइज तो आपको दिखाता हूँ लिब्रो ऑफिस तो ये है हमारे सामने कैल्क अब कैल्क में देखो फॉन्ट साइज दस लिखा हुआ है ये डिफॉल्ट है डिफॉल्ट का मतलब जो पहले से ऑलरेडी हो ठीक है उसको बोलते हैं डिफॉल्ट तो कैल्क में दस है अगर वही राइटर की बात करें तो देख लो राइटर में बारह है तो ये डिफॉल्ट है तो ये बात ध्यान रखना है अधिकतम पूछे तो इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात करें तो देखो ये छान में लिखा हुआ है मिनिमम ड्रॉप डाउन मेन्यू में छः लिखा हुआ है तीनों में यही होता है छः होता है लेकिन ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात है अगर वैसे ही पूछ ले तो ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन से हज़ार डालेंगे तो ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन आ जाएगा देखो ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन इसमें आ गया लिख के कहने का मतलब है कि मैक्सिमम ट्रिपल नाइन पॉइंट नाइन और मिनिमम दो होता हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं जानता हूँ वैसे डिफाल्ट राइटर में बारह कैल के में दस आज का क्वेश्चन है यू में पिन अधिकतम लेंथ कितनी होता है पिन का और चाइना में कौन सा ब्राउज़र यूज़ होता है इन दोनों क्वेश्चन आंसर देना है आपको और मैं कल बताऊँगा इसका आंसर जो भी होगा लगता है कई लोग नए हो इसलिए सही आंसर नहीं दे पाए बहुत से लोग तो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन पढ़ाई करो मैं इसलिए वीडियो बनाया हूँ सब बहुत सारा आप सबके लिए तो बनाया हूँ मैं ठीक है मैं बना सकता हूँ आप लोग देख नहीं सकते देखो अच्छे से पढ़ो उसको अच्छा सबका रिजल्ट आया अच्छा मैं तो यही चाहता हूँ फिर बस आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले जय हिंद जय भारत